मेरे पास सबसे पहले डॉक्टर ओगले साहब जब आए और उनका कहना था कि भामसेव की प्रेरणा से, भामसेव के प्रयास से समाज में बहुत सारे संगठन बनाए जा रहे हैं और सारे देश भर में एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और भामसेव की प्रेरणा से ऐसा हो रहा है। तो हम साइंटिस्ट लोग जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं या रिसर्च करवाने का काम करते हैं, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनसे रिसर्च करवाते हैं, तो उन लोगों का यूनिक और अलग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऐसा विचार उन्होंने मेरे पास व्यक्त किया। तो मुझे लगा कि हम लोग कई प्रकार का संगठन बना रहे हैं भामसेव के द्वारा प्रयास करके। तो ये आइडिया जब उन्होंने मुझे बताई तो मुझे ऐसा लगा कि एक नया क्षेत्र है और ये अनकवर्ड एरिया है और इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो संगठित क्षेत्र के बाहर हैं, तो इन लोगों को भी संगठित किया जाना चाहिए और भामसेव का जो नेटवर्क 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज़्यादा तहसीलों में, 22000 से ज़्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में फैला है, एक बहुत बड़ी संगठित शक्ति हम लोग निर्माण कर चुके हैं। तो इस संगठित शक्ति का उपयोग रिसर्च करने और करवाने वाले जो लोग हैं उन लोगों का संगठन बनाने में भी किया जा सकता है। तो मैंने उनको कहा कि हाँ ठीक है, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो संगठन की स्थापना आज हो रही है और उन्होंने बताया आप लोगों के सामने कि 17 स्टेट में हमारे सदस्य बन चुके हैं। ये तो आमतौर पे ऐसा तो कभी होता नहीं है। इसके पीछे भामसेव का चमत्कार है, भामसेव का नेटवर्क फैला हुआ है और हमने उनको कहा चलो स्थापना बाद में कर लेना है, नेटवर्क का पहले उपयोग कर लो। तो जब मैं पहले सारे देश भर में घूमता था, बहुत बार हम लोगों को रहने के लिए, खाने पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं होती थी, मुश्किल होता था उस समय। अभी भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन अगर छोड़ दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी असम से भी आगे तक हम लोग अभी पहुंचे हैं। तो 36 स्टेट हैं, उसमें 31 स्टेट में अभी हमारा नेटवर्क है और भारत के भौगोलिक सीमाओं के साथ लगे हुए जितने देश हैं वो सारे देश के बॉर्डर में जितने जिले हैं वो सारे जिलों में भामसेव संगठन का है। तो भामसेव के नेटवर्क का उपयोग रिसर्च करने और करने वाले जो लोग हैं हमारे उनका संगठन बनाया जा सकता है। ऐसे लोग ज़्यादातर आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, जो रिसर्च करने और करवाने वाले लोग हैं वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, भामसेव के संगठन की मदद देंगे, ये जो संगठन है सारे देश भर में बनाने के लिए, क्योंकि बेसिक संगठन भामसेव का बना हुआ होने की वजह से अभी संगठनाओं को बनाना आसान हो गया है। क्योंकि अभी अगर ये रिसर्च करने और करने वाले ये जो
डबल आई और ट्रिपल एस वाला जो संगठन है, अगर इसके लोग अपनी संगठन की शाखाएं बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में घूमेंगे तो हमारे सेंट्रल ऑफिस से उनको केवल टेलीफोन नंबर लेकर जाना है, तो उनके वहाँ रहने की, अगर वो रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं तो वहाँ लेने के लिए भी आ जाएंगे हमारे लोग, अपने घर में लेके जाएंगे, उनको सोने की, खाने पीने की, पीने की यानी शुद्ध पेयजल पीने की भी व्यवस्था हो जाएगी। और अगर वो कहते हैं कि आपके कुछ रिसर्च करने वाले लोग परिचित है क्या, तो बोले हाँ है एक दो लोग है, चलो उनको मिलवा दो, मिलवाने का भी काम करेंगे ताकि उनको माध्यम बनाकर आप अपना संगठन खड़ा कर सकते हो और कम से कम समय में इसको बढ़ा सकते हैं। अब 17 स्टेट में तो स्थापना के पहले ही बना दिया, तो हम सिप की वजह से ही ये सब हो पाया, अन्यथा हो नहीं सकता। तो ये एक यूनिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और इसका जो बदलाव हम लोग भविष्य में चाहते हैं हमारे समाज में और हमारे देश में, उसके लिए इसका उपयोग होगा। आइंस्टाइन कहा करते थे कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा बड़ी होती है। मैंने जब पहली बार सुना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं, मगर आइंस्टाइन ने कहा तो गधा आदमी तो है नहीं है और बगैर सोचे समझे तो बोलता नहीं है। जब वो कह रहा है कि कल्पना ज्ञान से बड़ी होती है, मुझे तो बहुत दिनों तक तो बात समझ भी नहीं है, मगर मैंने उसका पीछा किया कि कल्पना ज्ञान से बड़ी कैसे। जो रिसर्च करने वाला आदमी है वो कल्पना पहले करता है, रिसर्च बाद में करता है। अगर उसके दिमाग में कल्पना नहीं आएगी तो फिर रिसर्च किस चीज का करेगा। कल्पना पहले आती है, फिर रिसर्च करके उसको प्रमाणित करता है, फिर उसको सिद्ध करता है। हाँ, ये तो इसलिए कल्पना जो है वो ज्ञान से भी ज्यादा बड़ी चीज है, ऐसा आइंस्टाइन ने इस दृष्टि से उनसे कहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं किस दृष्टिकोण से कहा है, मगर मैंने ये समझने की कोशिश की। तो कल्पना जो है वो ज्ञान से बड़ी होती है, और जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनके पास कल्पनाएं होना समाज को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर उनके पास कल्पनाएं नहीं होगी तो संगठित शक्ति का उपयोग कल्पनाओं को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए संगठित शक्ति का उपयोग कैसे करेगा। तो संगठित शक्ति का उपयोग करने के लिए भी कल्पनाएं होना जरूरी है, ताकि संगठित शक्ति का उपयोग करके कल्पनाओं को रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत अहम बात है, ऐसा मैं मानता हूं, इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जानकारी को ही ज्ञान मानते हैं, जो गलत है। जानकारी ज्ञान नहीं है, जानकारी ज्ञान नहीं है। अगर इसको समझना है तो मैं सिंपल तर्क बताऊंगा कि अंग्रेजी में ज्ञान के लिए नॉलेज शब्द है और जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन है, बहुत डीप में जाए बगैर। जानकारी को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहते हैं और ज्ञान को अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं। ये दो शब्द अलग है, इसका मतलब है ये दो चीजें अलग अलग। जानकारी क्या है? मियर डाटा। जानकारी क्या है? मियर डाटा। केवल डाटा मींस जानकारी। ज्ञान क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंप्लीफाइड कर देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा तनाव नहीं रहेगा दिमाग में आपके। एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ नॉलेज, अप्लाइड इंफॉर्मेशन इज अ नॉलेज। अगर आप जानकारी का उपयोग करोगे तो जानकारी ज्ञान में कन्वर्ट होगी। एक एग्जांपल देता हूं, आप रास्ते से चल रहे हैं,
आपको ठोकर लग गई, आप रास्ते चल रहे आपको ठोकर लग गई, तो आपको मालूम है जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते पर यहां यहां पत्थर है, आपको जानकारी है, दूसरे दिन उसी रास्ते से जा रहे हैं। और जब दूसरे दिन गए दोबारा ठोकर लग गई वहीं पर, इसका मतलब जानकारी थी एप्लीकेशन नहीं किया, जानकारी थी वहां वहां पत्थर है, अगर उस जानकारी का उसने एप्लीकेशन किया होता कि यहां यहां पत्थर है मुझे बचकर चलना चाहिए, एप्लीकेशन अगर किया होता तो ठोकर नहीं लगती। तो ये जानकारी अगर आप अप्लाई करोगे तो जानकारी जानकारी नहीं रहेगी, वो ज्ञान में रूपांतरित हो जाएगी और इससे आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। मैं कई बार कार्यकर्ताओं को ये कहता हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं हम कह सकते हैं कि वो जानकार लोग हैं, मगर जानकारी भी आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। कितने हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं जो अपने घर में डेली अखबार लगाते हैं। मैं कई लोगों के घर में जाता हूं तो कोई तो आज सा पेपर वाचाले मिले नहीं, झगड़ा भी पेपर वगैरह का वाचत नहीं, लोग बिना कारण टेंशन होते कशाला वाचत। आप पढ़ते हो तो आपका टेंशन होता है, आपको टेंशन होता है, आप नहीं पढ़ते हो तो क्या टेंशन नहीं होता? बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपको टेंशन पैदा करने का ही काम करते रहते हैं, आपको छोड़ते थोड़ी है, आपको ऐसे फ्री थोड़ी छोड़ेंगे। तो आपको इस दुनिया में कॉन्शियस एफर्ट्स करना चाहिए, तो जानकारी के लिए भी कॉन्शियस एफर्ट्स करना चाहिए, जानकारी के लिए भी आपको कॉन्शियसली एफर्ट्स करना पड़ेगा और तब जानकारी इकट्ठा होगी, वो इकट्ठा जानकारी फिर आप एप्लीकेशन करते हो। उसके बाद जानकारी ही नहीं है तो एप्लीकेशन कहां से करोगे? पहले जानकारी होना जरूरी है, उसके बाद एप्लीकेशन होना जरूरी है। एप्लीकेशन के लिए हुनर चाहिए, स्किल चाहिए। कोई भी आदमी हर जानकारी का उपयोग एप्लीकेशन करने के लिए नहीं कर सकता, उसके पास इस तरह का हुनर चाहिए तब जाकर के कर सकता है। कोई जानकारी का उपयोग बढ़िया भाषण देने के लिए कर सकता है, मगर उसके पास बोलने का हुनर हो तो कर सकता है, बोलने बढ़िया बोलने का हुनर नहीं हो तो फिर कैसे करेगा? हुनर होना बहुत जरूरी है। हुनर जन्म से आपको मिलता नहीं, जन्मजात नहीं, हुनर जन्मजात नहीं है। मुझे बैठकर भी बोलना नहीं आता था, खड़े होकर बोलना ज्यादा हौसला और हिम्मत की जरूरत होती है। प्रेजेंटेशन करना और अलग बात है, प्रेजेंटेशन करना सामान्य बात नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल मामला है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं। मैं कहते रहता हूं कि जो संगठन बनाने चलाने संचालन करने वाले और रिजल्ट निकालने वाले लोग हैं उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास लोग क्या जानते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। लोग क्या जानते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो जानते हैं उसमें कितना सही जानते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, कितना गलत जानते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर इतनी बातें आपके पास है तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों को क्या समझाना जरूरी है। इतनी बातें अगर आपके पास है तो आपको बोलने के पहले समझ में आएगा लोगों को क्या समझाना जरूरी है। अगर आप बोलने में ध्यान रखोगे कि लोगों को जो आप बोल रहे हो वो लोगों को समझ में आना चाहिए तो बोलने का कोई मकसद है। अगर आपकी बोली हुई बात अगर लोगों को समझ में नहीं आती है तो आपके बोलने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है।
क्योंकि हम जिन लोगों के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं वो प्रतिबद्धता को हमेशा ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। केवल बोलते रहना ये कोई मकसद नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई न कोई फायदा जो सुनने वाले लोग हैं उनको होना जरूरी है। ये कहना बहुत गलत होगा कि ब्राह्मण परिवर्तन के विरोधी है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि ब्राह्मण परिवर्तन के विरोधी है। ब्राह्मण अपने जीवन में सबसे पहले परिवर्तन लाते हैं। ये बात अलग है कि आपके लिए परिवर्तन का विरोध करते हैं, मगर परिवर्तन अपने जीवन में सबसे पहले लागू करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि परिवर्तन का हमें जरूर फायदा होना चाहिए। दूसरों को परिवर्तन का फायदा नहीं मिलने देना चाहिए। तो हमें यह फर्ज समझ में आना चाहिए दो चीजों का। ब्राह्मण परिवर्तन के विरोधी नहीं है, परिवर्तन का आपको फायदा नहीं होना चाहिए इसके वो विरोधी है। अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि वो महिलाओं के पढ़ाई के बहुत विरोधी थे, मगर अब ब्राह्मणों के घरों में महिलाओं को पढ़ने के लिए विरोध नहीं किया जाता, अभी नहीं किया जाता, क्योंकि मालूम हो गया कि अगर महिलाएं पढ़ लेगी तो फिर हमारे परिवार में उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। मालूम हो गया विदेश में जाने से, विदेश में पढ़ाई करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ब्राह्मण लोग जो है जिन्होंने धर्मशास्त्रों में लिखकर रखा है विदेश बंदी, देशमुख साहब विदेश में जाने पर बंदी, मगर विदेश में जाने के लिए अभी सबसे ज्यादा भारत से विदेश में पढ़ाई करने के लिए हमारे लोग बहुत कम जाते हैं, मगर सबसे ज्यादा अगर 100 लोग जा रहे हैं तो उसमें 60-70 लोग तो ब्राह्मण ही होते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और वो जो पढ़ने के लिए जाते हैं बहुत कम वापस आकर भारत में आते हैं, ज्यादातर उधर ही निवास करते हैं। उनको मालूम है कि हम भारत के रहने वाले लोग नहीं है, तो अमेरिका में रहने से क्या नुकसान होगा। तो ब्राह्मण परिवर्तन के विरोधी नहीं है, वो परिवर्तन को अपने जीवन में सबसे ज्यादा पहले लागू करते हैं। परिवर्तन का आपको फायदा नहीं होना चाहिए इसकी सबसे ज्यादा खबरदारी लेते हैं। टेक्नोलॉजी का वो लोग देखो अपने लिए कैसा उपयोग करते हैं और हमारे लिए कैसा उपयोग करते हैं। जब रामायण बनाया तो खापड़े साहब के एक मित्र थे, वो बर्डी के रहने वाले थे, उनका नाम मुझे अभी वो याद नहीं है, बॉम्बे में। तो उनके पास मैं एक बार गया तो उन्होंने कहा ये देख। मैंने कहा क्या है? कहा कि ये कंप्यूटर है। ऐसा है? हाँ, ये 25 करोड़ रुपए का कंप्यूटर है। 25 करोड़, इसकी क्या विशेषता है, 25 करोड़ का क्यों है? हाँ, उसका नाम था वामनराव मोहिले। वो कहा 25 करोड़ रुपए का इतना नहीं, इसकी क्या विशेषता है? बोले ये रामानंद सागर ने जो रामायण बनाया वो मेरे पास आकर वो शूटिंग करता था दारा सिंह की। दारा सिंह ऐसा खड़ा रहता था, वो शूटिंग करता था। वो खड़ा जो दारा सिंह शूटिंग का मेरे पास लेकर आता था, मैं उसको ऐसा दौड़ा। तब मुझे पता चला 25 करोड़। हाँ, ये बात अब तब समझ में आया कि चले ये हनुमान को ऐसे दौड़ा रहा है, पहाड़ उठाकर दौड़ा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का ब्राह्मण लोग अपने लिए अलग उपयोग करते हैं, हमारे लिए अंधश्रद्धा फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। परिवर्तन का आपको फायदा नहीं होना चाहिए इसकी सबसे ज्यादा खबरदारी लेते हैं। ब्राह्मण अपने लिए परिवर्तन अपने परिवार में लागू करते हैं। तो ये परिवर्तन की माइक्रो अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होना जरूरी है।
ये समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जानकारी सभी लोगों को समझना जरूरी है। जानकारी फिर उसके बाद नॉलेज यानी ज्ञान, फिर उसके बाद जो स्टेप है वो है अनुभव। आपके पास जानकारी है, आपके पास ज्ञान आ गया, उसके आधार पर आप समाज में रहते हुए अनुभव लेते। हर आदमी आपके सामने, उसके पास जानकारी है, उसके पास ज्ञान है, उसको वही अनुभव वो कर लेगा। हर आदमी एक जैसा अनुभव कर लेगा जरूरी नहीं है। अनुभव बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यदि उसको जिंदगी में अनुभव हो गया तो अगली बार अगर वो कोई मामला आता है तो दूसरे लोगों के मुकाबले में वो बहुत तेजी से फैसला करते हुए उसको रोक लेता है, ऐसा होने नहीं देता, उसको वो फौरी रोक लेता है अनुभव होने की वजह से। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जानकारी और ज्ञान के बाद अनुभव का होना बहुत जरूरी है। और अनुभव ये बहुत सक्रिय रूप से लेने वाली बात है और ग्रहण करने वाली बात है, और इसको हमेशा सतर्क होकर ध्यान में रखने वाली बात है। चौथी बात है पूर्वानुमान। देखो, जानकारी, फिर उसके बाद नॉलेज यानी ज्ञान, तीसरी बात है अनुभव, और चौथी बात है पूर्वानुमान। पूर्व अनुमान, कोई चीज होने के पहले मालूम होना। जैसे 1000 किलोमीटर दूर बहुत तेजी से बरसात हो गई है, बहुत तेजी से बरसात हो गई है, और 1000 किलोमीटर के बाद डैम है, तो उसका जो चीफ इंजीनियर है उसको मालूम हो जाएगा कि इतने दिन में ये डैम में इतना इतना क्यूसेक मीटर पानी आएगा, और इतना पानी आने से ये डैम को खतरा पैदा हो सकता है, तो इतना पानी, इतना दरवाजा जो है ओपन करना होगा और पानी छोड़ना होगा आगे। तो जो पूर्वानुमान है वो पानी पड़ गए उसको 1000 किलोमीटर दूर, मगर वो नदी आ रही, तो वो नदी में जो पानी आ रहा है वो आएगा ही, उसके डैम में आना ही आना है, तय है, पूर्वानुमान कर लिया। और पूर्वानुमान के आधार पर प्लानिंग बना रहा है, तो ये सारी चीजें जानकारी, ज्ञान, अनुभव और पूर्वानुमान, जब चारों चीजें इकट्ठा हो जाती है तो आपके पास समझदारी आती है। हर पढ़ा लिखा आदमी कह सकते हैं जानकार तो हो गया है, जरूरी नहीं है हर जानकार आदमी समझदार भी हो। जानकार होना अलग है, समझदार होना अलग है। तो जो रिसर्च करने वाले लोग अकेले अकेले रहते हैं, ज्यादातर रिसर्च करने वाले लोग अकेले अकेले रहते हैं, तो मेरा मानना है उनके समझदार ना होने की वजह से ऐसा। अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को सुनने को, मगर ये मैं कह रहा हूं, वो अकेले अकेले रहते हैं तो उसका कारण वो समझदार नहीं है। जानकार बहुत ज्यादा है, समझदार नहीं है। जंगल के जानकर, जंगल के जो जानवर है उनको असुरक्षित होने का भाव होता है, इस वजह से वो समूह में रहते हैं। तो आदमी को तो, आदमी और जानवर में तो बहुत फर्क है, तो उसको तो ज्यादा होना चाहिए ये सारी बातें, और उसको समूह में रहने के लिए ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, कॉन्शियस कोशिश करनी चाहिए। तो जो हम जिस समाज के लोग हैं 2-3 हजार साल के पीड़ित हैं, क्योंकि ईसा पूर्व 185 को जो हत्या हुई सम्राट बृहदत्त मौर्य की,
उस तारीख से हमारे ऊपर संकट आया हुआ है। हमारे ऊपर जो संकट आया हो ना, हम जितने मूल्यवासी है उन पर संकट आया है। ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, उस तारीख से हमारे ऊपर संकट आया हुआ है और अभी भी हम संकट के प्रभाव क्षेत्र में ही है। तो इस संकट के प्रभाव क्षेत्र से निकलने के लिए केवल जानकार होने से काम नहीं चलेगा, समझदार होना जरूरी है। तो मैं 45 साल से काम कर रहा हूं संगठित, इतने बड़ी ताकत, दो बार भारत बंद करवाया, सरकार को बहुत सारी चीजें करने के लिए मजबूर किया, इतना बड़ा संगठन हमने बनाया 45 साल से। ये 45 साल से मेरी जिंदगी में मैंने दो बहुत बड़ा अनुभव, दो सबक मैंने सीखे। एक, हमारे जो लोग हैं, हमारा जो समाज है, SC ST OBC के जो लोग हैं, उनकी औकात कितनी है, तो वो आपस में लड़ सकते हैं। मैं जो अपनी जिंदगी में जो सबक सीखा, हमारे लोगों की औकात कितनी है, तो वो आपस में लड़ सकते हैं, इतनी उनकी औकात है। उनकी औकात इतनी नहीं है कि अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई करे और इकट्ठा होकर उसके खिलाफ लड़े, इतनी औकात नहीं। ये बहुत कड़वा तजर्बा जो है, मैं 45 साल से, बहुत कड़वी बात है ये, मगर ये मैंने अपनी जिंदगी में 45 साल का बहुत कड़वा अनुभव ध्यान में रखते हुए ये आपको बता रहा। दूसरी बात, हमारे लोगों का संगठित प्रयास असफल क्यों होता है, ज्यादातर असफल। बाबा साहब अंबेडकर की बात आप देखेंगे कि लगभग संगठित प्रयास हमारे सफल नहीं है, काशीराम जी को अगर छोड़ा जाए तो ज्यादातर लोग असफल है। तो ये असफल होने का ये एक बहुत बड़ा कारण जो मैं जानता हूं, संगठित होने के बाद हमारे जो लोग हैं वो संगठन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी देनी पड़ती है, तभी वो काम कर सकता है। अथॉरिटी को डेलीगेट करना पड़ता है तब वो संगठन बनता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं। फॉर्मल दो प्रकार है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, जो मैं चलाता हूं, मेरा अपना तजर्बा है वो बता रहा हूं। तो जब लोगों को अथॉरिटी दी जाती है, हमारे समाज के लोगों को, तो वो ज्यादातर मिसयूज करते हैं। तजर्बे की बातें, किताबी बातें नहीं है, ज्यादातर मिसयूज करते हैं। अथॉरिटी इसलिए नहीं दी जाती है कि वो मिसयूज करे, अथॉरिटी टूवर्ड्स अचीविंग अ गोल। तुमको अथॉरिटी इसलिए दी जाती है कि तुम उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस अथॉरिटी का उपयोग करे। मगर हमारे लोग विफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अथॉरिटी का मिसयूज करना सीख गए हैं। अथॉरिटी का यूज करने के लिए जो प्रतिबद्धता, जो ईमानदारी और जो गहराई से हमारे समाज के प्रति हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उसका बहुत बड़ा अभाव है। हम सेल्फ सेंटर्ड है। हमें पढ़े लिखे होने से क्या हुआ जानते हो, पढ़े लिखे, मेरे तजर्बा, पढ़े लिखे होने से हम ज्यादा से ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए, आत्म केंद्रित हो गए, अपने बारे में ज्यादा सोचने वाले हो गए हैं, अपने समाज के बारे में ज्यादा सोचने वाले नहीं हुए। पढ़े लिखे होने का ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे समाज को, हमारे लोगों को, जिनको भी बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां मिली है, बड़ी बड़ी पोस्ट मिली है, दो दो तीन तीन लाख रुपए की सैलरी मिलती है, जिन लोगों को मिलती है वो समाज के कीमत पर उनको मिलती है, शेड्यूल कास्ट के नाम पर रिजर्वेशन भी लगे। अब कामले अगर IAS हो गया तो वो समाज के नाम पर रिजर्वेशन मिल गया, उस रिजर्वेशन में से कामले को मिला, उसके नाम पर लिखा हुआ नहीं है, कामले के नाम पर लिखा हुआ नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट के नाम पर लिखा हुआ है मगर कामले को मिला।
जो समाज का है वो कामले को मिला, ये रियलाइजेशन नहीं है। और ये रियलाइजेशन ना होने की वजह से वो पे बैक नहीं करता, पे बैक टू सोसाइटी नहीं करता। इसलिए पे बैक टू सोसाइटी एक बहुत बड़ी विचारधारा हो जाती है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि बाबा साहब का भी पढ़े लिखे लोगों के बारे में अच्छा अनुभव नहीं था। उन्होंने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। फिर पढ़े लिखे लोगों को संगठित करने का काम काशीराम जी ने सबसे ज्यादा किया, पहले नंबर पर। उसके बाद काशीराम जी का अनुभव क्या था देशमुख साहब? काशीराम जी का अनुभव था पढ़े लिखे लोगों के बारे में कि जो पढ़े लिखे लोग हैं एससी एसटी ओबीसी के, ये एंटी सोशल एलिमेंट है। ये शब्द कहां यूज किया जाता जानते हो? पुलिस स्टेशन में साले के चार डंडे लगाओ, ये एंटी सोशल एलिमेंट। ये जो शब्द यूज किया जाता है एंटी सोशल एलिमेंट, ये पुलिस चौकी में इस्तेमाल होता है। साले के चार डंडे लगाओ, ये साला एंटी सोशल एलिमेंट। ये काशीराम जी का तजुर्बा था। मैं अपना तजुर्बा बताता हूं। मैं लोगों को जाकर समझाता हूं, फिर लोग सवाल पूछते हैं। मुझे 10 सवाल पूछा, मैं 10 ही सवाल का जवाब दे देता हूं। तो 10 ही सवाल का जवाब देने के बाद में पता नहीं चलता ये साथ देने वाला ही है या कि नहीं देने वाला। अभी सारे सवाल का जवाब दे दिया तो कुछ तो पता चलना चाहिए कि हमको सपोर्ट देने वाला भी है या नहीं देने वाला है। नहीं, अगले 6 महीने के बाद जाओ वही 10 सवाल दोबारा पूछता है। मेरा तजुर्बा बता रहा हूं, हर एक का अपना अपना तजुर्बा है। तब मुझे लगता है बाबा साहब ने पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, ऐसा क्यों कहा? काशीराम जी ने एंटी सोशल एलिमेंट कहा। कोई दुश्मनी तो मेरे ख्याल से बाबा साहब की भी पढ़े लिखे लोगों के साथ नहीं थी, काशीराम जी की भी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। मैं ये क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बता रहा हूं। ये हम जो पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हुए हैं, हमें निश्चित रूप से इसका आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। हमारे आचरण में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हमारे विचारधारा का प्रतिबिंब है, हमारे विचारधारा का प्रतिबिंब है। इसका मतलब है अगर हमारा आचरण गलत है तो इसका कारण हमारी विचार करने की पद्धति गलत है। उसको उसका सोशलाइजेशन करना जरूरी है। और ऐसा करते हैं तो हमें निश्चित रूप से सारे समाज को फायदा होगा। लोग बड़े अजीब है, जब वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए अथॉरिटी का उपयोग करते हैं तो समाज आगे बढ़ता है, उसके साथ साथ वो भी बढ़ता है। मगर ज्यादातर लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है, इसलिए वो अथॉरिटी का मिसयूज करके अपना ही फायदा करने का सोचते रहता है। ना वो अपना फायदा कर पाता है, ना अपने समाज का कर पाता है। जब वो अथॉरिटी का मिसयूज करता है तो संगठन में उसके विरोध में लोग हो जाते हैं, लोग उसके विरोध में हो जाते हैं, उसी संगठन के लोग विरोध में हो जाते हैं, उसकी कंप्लेंट हो जाती है, उसकी जांच हो जाती है, उसको संगठन से निकाल दिया जाता है। तो आप समाज को साथ में लेकर ही बढ़ सकते हो, आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ऐसे बहुत सारे आईएएस अधिकारी देखे, आईपीएस अधिकारी देखे, जब तक वो नौकरी में रहते हैं लोग उनके पास जाकर नमस्कार करते हैं, जब रिटायर्ड होते हैं तो एक आदमी उसके पास नहीं जाता। बहुत नालायक आदमी है। नहीं, लोगों को बता रहा हूं प्रतिक्रिया, बहुत नालायक आदमी। उसके पास में हम जाते थे, कभी उसने हमको नहीं कहा कि बैठो कुर्सी पे, वो कुर्सियां खाली रहती थी मगर बैठने के लिए नहीं कहा। और उससे हमको अगर बैठने के लिए कहता तो उसके बाप का कुछ नहीं जाता, वो स्कूल की है सरकार की है। तो ज्यादातर आप लोग हैरान हो जाओगे सुनकर कि कुछ अधिकारी तो मुझे टेलीफोन करके, मेसाम साहब आप इतना बड़ा संगठन चलाते हैं, पढ़े लिखे लोगों का संगठन चलाते हैं, मेरी लड़की शादी हो गई, कोई लड़का वड़का है क्या? अबे तू
इतना बड़ा अधिकारी हो गया नालायक, तू जिंदगी में रिटायर्ड होने के बाद मेरे को लड़का ढूंढने के लिए कह रही है तू? तेरे नालायकी की कोई हद है कि नहीं हद है? मतलब प्रैक्टिकल अनुभव की बता रहा हूं। ये भी काम नहीं कर पाए तो आप अंदाजा लगाओ। नहीं नहीं, आप डेली पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहते हो, उनके घरों में जाते हो तो आपको लड़के दिखते होंगे। अब मैं वो काम के लिए घर में जाता ही नहीं जिसलिए होते भी होंगे तो देखता ही नहीं मैं उस काम के लिए उसके घर में जाता ही नहीं तो मैं देखता ही नहीं, क्योंकि नजर एक चीज है, नजरिया दूसरी चीज है। नजर एक अलग चीज है, नजरिया दूसरी चीज है। हम उस नजरिए से उसके घर में जाते ही नहीं तो हमको दिखाई नहीं देता। होता है लड़का मगर हम देखते ही नहीं है उस दृष्टि से, तो हमको पता कैसे चलेगा? हम अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए जा रहे हैं, अपने मकसद के दृष्टि से देख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो संगठन आप लोगों ने बनाया, मैं आपको फ्रस्ट्रेट या निराश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि दूसरी बात कह रहा हूं कि ये सारी बातें हमारे पास है, हम इसके बावजूद भी आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने कोई हुनर डेवलप किया है वो सब आपको ये संगठन बनाने के लिए देंगे, आपको विफलता नहीं मिलेगी। हमारे पास बहुत तजुर्बा आ गया, जो कड़वाहट भरा अनुभव हमने आपको बताया उसका इलाज भी ढूंढ लिया है, उस इलाज पर हम काम भी कर रहे हैं, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। केवल समस्या ही हमारे पास है नहीं, हमारे पास इलाज भी है। हमारे पास बीमारियां हैं तो हमारे पास इलाज भी है, दवा भी है, और इस वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि भारत के 2-3 हजार साल के इतिहास में जो 20 साल जो है ना आने वाले, ये बहुत बड़े परिवर्तन वाले साल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये परिवर्तन अपने आप नहीं होगा, जैसे सूरज हर दिन बगैर मेहनत के निकलता है, जैसे सूरज जो है आपके बगैर मेहनत से निकल जाता है और आपको धूप देते रहता है, वैसे परिवर्तन नहीं होगा, संगठित शक्ति के बल पर होगा, और उसके केंद्र में हम लोग होंगे जिसके द्वारा ये परिवर्तन लाया जाएगा, इसके आधार पर बोल रहा हूं। तो इसलिए तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, इस संगठन को भी बड़ा संगठन बनाने में हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपने IIIS स्थापना दिन के अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इसके बाद माननीय वामन मेश्राम साहब के जन्मदिन के अवसर पर सातवी एक महत्वपूर्ण सूचना, जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे, कोणीही जेवण केल्याशिवाय जाऊ नये,